तो हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है एक और वीडियो में। तो यार आज की इस वीडियो में मैंने जो है आपके स्मार्टफोन के डिस्प्ले सेटिंग के बारे में तीन जो है सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताया है, जो कि आपको जो है जानना बेहद ही ज़रूरी है। और तीसरी सेटिंग जो मैंने इस वीडियो में बताई वो आप देख के ज़रूर जाना। तो यार अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, साथ ही में इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना। और हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सर अगर हमारे सबसे पहले सेटिंग के बारे में, तो इस सेटिंग के जरिए आप जो है आप अपने डिस्प्ले को जो है कस्टम कर सकते हैं, मतलब आपको कितने जो टेक्स्ट है यहाँ पर दिखने चाहिए या फिर कितने ऐप जो है या फिर कितने जो सेटिंग्स है आपको यहाँ पर दिखनी चाहिए, वो सभी के सभी जो है आप इस सेटिंग के जरिए जो है डिस्प्ले सेटिंग के जरिए आप अपने स्क्रीन के जो सेटिंग है उसको सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है आपको आपकी सेटिंग में चले जाना होगा। आपके फ़ोन की सेटिंग में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर डिस्प्ले का एक ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। डिस्प्ले के ऑप्शन में क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर जो है आपको टेक्स्ट एंड डिस्प्ले साइज का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरा जो डिस्प्ले साइज है वो अभी नॉर्मल है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टेक्स्ट साइज जो यहाँ पर आपको दिख रही है नीचे की तरफ, जब मैं इसे यहाँ पर बढ़ाऊंगा तो जो आगे की साइज है वो भी बढ़ जाएगी, और अगर मैं बढ़ाऊंगा तो और भी बढ़ जाएगी। साथ ही में अगर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले साइज भी जो है वो मैं यहाँ पर बढ़ा भी सकता हूँ या फिर यहाँ पर जो मैं घटा भी सकता हूँ, जिससे कि क्या होगा कि आपके टेक्स्ट जो है वो बहुत ही कम दिखेंगे, और अगर आपने जो है मीडियम पर रखा तो मीडियम दिखेंगे, और अगर आपने बहुत ही ज़्यादा रख दिया तो आपके जो टेक्स्ट है वो बहुत ही ज़्यादा दिखेंगे। साथ ही में जो है आप यहाँ पर जो है अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से नहीं दिखता है डिस्प्ले साइज, मतलब डिस्प्ले के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप जो है इसे ऐसे भी सेटिंग करके रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मैं इसे नॉर्मल ही कर देता हूँ। सो यार ये दोस्तों, अगर आपको भी डिस्प्ले देखने में या फिर अगर आपको भी बहुत सारी सेटिंग जो है एक ही जगह पर देखनी है तो आप जो है इस सेटिंग का यूज़ करके देख सकते हैं। सो यार बात करें अगर हमारे दूसरे सेटिंग के बारे में, तो इस सेटिंग के जरिए आप जो है आपकी डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर अगर आप जो है रात में बहुत ही ज़्यादा कम लाइट में या फिर एकदम जीरो लाइट में जो है कुछ देख रहे हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, तो उसका जो इफेक्ट है ये आपके आंखों पर पड़ता है। इसीलिए जो है आपके स्मार्टफोन में एक फीचर आता है जिसको बोलते हैं आई कंफर्ट, जो आपको ऑन कर लेना चाहिए। जब भी आप अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो या फिर अगर आपको बहुत ही एकदम अंधेरे में अगर मोबाइल अपना यूज़ कर रहे हो तो आपको जो है उसे यूज़ कर लेना चाहिए। तो सिंपली से आपको जो आपका नोटिफिकेशन बार है उसे नीचे खींच लेना है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर कम्फर्ट का एक ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ से इसे ऑन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सेटिंग में चले जाना होगा, यहाँ पर आप डिस्प्ले का एक ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर चले जाना होगा। यहाँ पर चले जाने के बाद यहाँ पर आपको आई कंफर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ से जो है अगर आप इसे इनेबल करेंगे तो यहाँ पर जो आपको अलग अलग डिवाइस में अलग अलग मल्टीपल ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब क्या होगा कि आपने अगर इसे शेड्यूल कर दिया है तो शेड्यूल कर देने के बाद आपको जो इसे यहाँ पर आने के बाद ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपने उसे शेड्यूल किया होगा वो तभी जो है वो आई कंफर्ट वाला जो ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा। और किसी किसी डिवाइस में जो है इसका एक एडवांस ऑप्शन भी दिया जाएगा, जिससे कि अगर जो भी जैसे भी रात होने वाली होगी तो वैसे वैसे जो है आपकी स्क्रीन ब्राइटनेस है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और आई कंफर्ट में जो है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो ऐसे अगर बहुत ज़्यादा रात होगी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा तरीके में आपने जो आई कंफर्ट का जो ये कलर यहाँ पर देख रहे हैं ये यहाँ पर आ जाएगा, और जब भी दिन मतलब निकलने वाला होगा तब जो है आपकी जो डिस्प्ले होगी वो नॉर्मल हो जाएगी, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सो यस दोस्तों, अगर आपको भी बहुत सारा काम जो है या फिर अपना स्मार्टफोन जो है आप रात में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप जो इस सेटिंग को एक बार यूज़ करके देख सकते हैं। बात करें अगर हमारे अगले सेटिंग के बारे में, तो इस सेटिंग के जरिए आप जो है अपने जो भी ऐप को जिस वे में भी एडजस्ट किया होगा उस वे में जो है आप उसे लॉक कर सकते हैं वही के वही। मतलब क्या होता है कि कभी कभी जो है आप अगर अपने किसी बच्चे को अपना मोबाइल दे दिया है तो वो जो है ऐसा ऐप जो है उठा करके किसी दूसरे स्क्रीन पर चला जाएगा, या फिर अगर वो ऐप जो है यहाँ से डिलीट भी हो सकता है। ये यूट्यूब का ऐप है तो ये यूट्यूब का ऐप तो डिलीट नहीं होगा, लेकिन आपका जो भी इंस्टॉल किए हुए ऐप होते हैं प्ले स्टोर से वो जो है डिलीट भी हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंस्टाग्राम है ये यहाँ से जो है अनइंस्टॉल भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, या फिर अगर आपने जो है स्क्रीन लॉक नहीं की है और वैसे ही अपने जेब में जो है आपका मोबाइल रख दिया है तो कई बार भी टच हो जाता है। ऐसे में जो है आपका लेआउट जो है आपका ऐप का जो लेआउट है वो चेंज हो जाता है, या फिर जो ऐप है वो किसी दूसरे पेज पर चली जाती है, जो कि आपको ढूंढने में जो है दिक्कत होती है। तो इस सोल्यूशन से बचने के लिए आपको जो है यहाँ पर स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा। उसके बाद जो है आपको होम स्क्रीन सेटिंग का एक ऑप्शन भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको चले जाना होगा। आप जैसे यहाँ पर चले जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको लॉक लेआउट करके एक ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। आप जैसे इसे ऑन करेंगे उसके बाद जो है आप बैक आ जाना है। इसे ऑन कर देने के बाद यहाँ पर बैक आ जाने के बाद जैसे मैं यहाँ पर टैप करूँगा तो आप देख सकते हैं ये जो है ये यहाँ से नहीं हिल रहा है, मतलब ये जो है ये लेआउट जो है वो लॉक हो गया है। वैसे मैं आपको इंस्टाग्राम का भी दिखा दूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अनइंस्टॉल का ऑप्शन ही यहाँ पर नहीं आ रहा है। मतलब आप जैसे ही सेटिंग को ऑन करेंगे तो ये ऐप जो है यहाँ से एकदम लॉक हो जाएगा और यहाँ पर जो है आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन भी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा।
जैसे इससे कि क्या होगा कि अगर आपने आपका स्मार्टफोन जो है किसी बच्चे को दे भी दिया है तो वो जो है कोई भी ऐप जो है अनइंस्टॉल नहीं कर पाएगा। ये भी एक यूजफुल सेटिंग है जिसको कि आप जो है यूज करके देख सकते हैं। सर बस दोस्तों यही कुछ सेटिंग थी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई, और अगर ये तीनों की तीनों सेटिंग जो है आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, साथ में इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना, और अगर मेरे लिए कोई सुझाव हो तो एक कमेंट भी जरूर कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ऐसी एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।